नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी और उनके समर्थक जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। इस दौरान उन्हें जनता के बड़े विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक नजारा रीवा विधानसभा क्षेत्र के साथ ही गुढ़ विधानसभा क्षेत्र में सामने आया है, जहां भाजपा प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगने पहुंचे उनके समर्थकों का ग्रामीण और मोहल्लेवासियों ने जमकर विरोध किया है। हालात यह रहे कि समर्थन मांगने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को किसी प्रकार से वहां से वापस निकलना पड़ा। आपको बता दें, रीवा शहर के अलग अलग मोहल्ले में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र शुक्ला के समर्थन में मतदाताओं के बीच समर्थन मांगने पार्टी कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूर्व महापौर प्रत्याशी प्रमोद व्यास के नीम चौराहा और बोदाबाग मोहल्ले के आसपास में मतदाताओं के बीच पहुंचे, जहां उन्हें मोहल्ले वासियों का भारी विरोध झेलना पड़ा। लेकिन आज जमुई शुक्ला जी का अपना पंच वोट मारे गई लागे है, तो जब अपने लोग वोट नहीं दी वोट मारे गई इसी तरह गुढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र सिंह के समर्थन में उनके कार्यकर्ता ग्रामीणों के बीच मतदाताओं से समर्थन मांगने पहुंचे थे। इस दौरान ग्राम करौदी के ग्रामीणों ने उनका जमकर विरोध किया और वापस कर दिया गया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। नहीं नहीं नहीं, आपके पास मैं बैठूंगा, आपसे सारी बातें करूं। पिछले बार विधायक जी पिछले बार आए रहे, कहीं वाले हमका वोट ही नहीं दे, यह कहीं नहीं पूछ रही हमारा लाला है। पिछले बार करौंदी वाले कहीं वोट ही नहीं दी ना बीजेपी का, तो जीते कहां से रहे? हमारे बारे में विधायक जी कहीं नहीं, हमारे गुढ़े में कहीं नहीं, कहीं ब्राह्मण हमका वोट ही नहीं दे। खुले शब्द में शंकर जी, हम झूठ नहीं बोली, रिकॉर्डिंग दिखाओ तो मान लेगा। नहीं, हम मानते हैं आपकी बात, माने लेते हैं, ऐसा हो सकता है आपकी बात तो नहीं। अपना काम रिकॉर्डिंग दिखाइए के बाद अपना छोड़ दे इनके साथ, कहीं नहीं कि ब्राह्मण नहीं दे वोट। भैया मैं तो कमल के साथ, ब्राह्मण नहीं दे वोट से मतलब कहाँ है आपको? एक स्पष्ट मिलत कहाँ से, मिलत कहाँ से है वोट? कमल के साथ हूँ बस। करौंदी वाले वोट नहीं दी तो दीन इसको कहाँ से, बूढ़े वाले वोट नहीं दी तो दीन इसको। आप कह रहे उनका सियान भी खाए पिए पड़े रहे काहे जेल जी रहे देखी हम बत कहा बताइए साफ। हाँ बेउहर।